के दिन शुरुआत इसके नहलाने से करते हैं। डग्गू बल्ले 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 बल्ले, पूजा भी हो गई है। ऑफिस से छुट्टी लिया मैंने, जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड कराने, क्योंकि कल रात से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही है। देखते हैं क्या होता है हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट में। और ये मेरे छोटे भाई के भी पेट में बहुत दर्द हो रही है, इसके पेट में भी। इसको सोच रहे हैं दिखाने की, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। तब तक मैं जाकर आती हूँ, अपना करा के आती हूँ अल्ट्रासाउंड। ये भी सोया है बड़े प्यार से। फाइनली मैं चंदन में पहुँच चुकी थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। सुबह से भूखी हूँ, अब जा रही हूँ अंदर नंबर लगाने। देखती हूँ कब तो लगा दिया है, अभी नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा, तो तब तक मैं ओरा जाकर बुआ के कुछ डॉक्यूमेंट है वो देकर आती हूँ। दिखाते हैं ओरा में आपको, सबसे मिलाते हैं। योगिता बुआ को ही ले लो यहाँ फोटोशूट पे। किसी को कुछ पसंद आए तो मुझे बताना, मैं प्राइस बता दूंगी आप लोगों को। पे सब बैठे हैं, बहुत स्पेशल है आज। आज मेरी तबीयत ख़राब है, नंबर लगा के आई हूँ मैं। मेरे लिए मंगाई थी लेमन टी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बुआ कुछ बातें कर रही थी अपने काम से रिलेटेड सर से, और मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। हॉस्पिटल ओरा से आ गए हैं, पता नहीं कब आएगा नंबर। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नंबर किधर लिखा है करके। पूछ के आते रिसेप्शन पे किधर लिखा है नंबर। बहुत ही घर पहुंच गई हूँ नीलम बुआ के वहाँ। अब देखते हैं कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं। कैची हो तुम, कैची हो, कैसी हो? किसने डांटा प्रिंसी को? क्यों डांटा, क्यों डांटा है? डुग्गू सोया है। मुझे निकली है पथरी दोनों किडनियों में, अब देखो क्या होता है। कल जाऊंगी सुबह डॉक्टर के पास, जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। मैंने ये आई है मेरी रिपोर्ट। तो फाइनली बुआ के घर पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल से। टाइम हो रहा है 3:15, और सच में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था 2-3 दिन से। हालांकि एक साल पहले भी निकली थी, बट तब मैं ठीक थी, तो दवाई वाई सब खाए, पानी से भी नहीं निकल रही थी, यूरिन के थ्रू भी नहीं आई, नहीं आई तभी तो आज ये दिन देखना पड़ा मुझे। दवाइयाँ भी खूब चलाई एक साल पूरी। अब देखो बस ऑपरेशन ना हो। अब कल पहले एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, मनोज जोशी, उसके बारे में बहुत सुना है, पेट का बहुत अच्छा डॉक्टर है करके। क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ, पथरी मेरी निकल जाए। आई होप कि मैं जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाऊँ। बाकी भाइयों को देखो, बच्चे सोया है मजे से। लंच बुआ ने बनाया था, कढ़ी चावल, सैलेड दिया है, पानी दिया है, कम पड़ेगा तो इससे निकालना खाए लोटे से। अब करते हैं लंच, क्योंकि सुबह से सच में भूखी थी मैं, कुछ भी नहीं खाया था, हल्का सा जूस पिया था और ओरा में लेमन टी। खाते हैं खाना, खाना खा के फिर देखते हैं क्या करना है। खाना खा के कढ़ी चावल। मैं सोई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरी नींद आ गई थी, थक गई थी सुबह से, भूखी थी, इसलिए खा के मैं सो चुकी थी। इसलिए ब्लॉग भी मेरा जस्ट 6:15 में आया है, तो प्लीज़ जाके देखना, शेयर, लाइक, सब कुछ करना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा जूस वगैरह पीने, थोड़ी सी एक सॉफ्ट सा कंबल लेना अपने लिए, पतला सा, क्योंकि अभी नॉर्मली वो चाहिए होता है। बाकी प्रेस का भी करना है, डॉक्टर ने कहा जूस वूस पीते रहो, इसलिए भी मैं जा रही हूँ, फिर आपको बताते हैं। फाइनली बाहर को आ चुकी हूँ और बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, और वो महादेव का मंदिर है। गाड़ी में तेल फुल कराने के बाद आस्था और मैं चले गए थे जूस पीने। मैं और आस्था बैठ के जूस पी रहे थे, एक ने पाइनएप्पल ऑर्डर किया था और एक ने किया था मौसमी का। और अब मैं लेकर आ रही हूँ गाड़ी अंदर। क्या खा रही हो? कैची हो रही है, अच्छी हो रही है। इसको खा के पियू कहाँ जाएगी? घर जाओगी, फिर कल फिर आओगी, फिर क्या खाओगी? आइसक्रीम। आपको पता है दीदी हॉस्पिटल गई थी? गई थी ना,
दीदी को इंजेक्शन भी लगे ना आज? दीदी की तबीयत खराब है ना? आप किस नहीं करोगे, ठीक हो जाएगी दीदी जल्दी करके। गुड गर्ल, अब आप आइसक्रीम खाओ, ठीक है? आप दीदी के साथ चलोगी वाले कमरे में बैठोगी, दीदी सब्जी काटेगी, आप आइसक्रीम खाने और फोन देखना दीदी का, ठीक है? चलो चलो आ जाओ, चले चलो बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। गुड गर्ल। डुगू का सोच रहा है, ओले ये तो छोई छोई कल्ला है। जस्ट मैं अभी अपना हेयर वॉश करके आई हूँ, क्योंकि डुगू ने मेरे बालों में वॉमिटिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने उसको उल्टा पकड़ा था ना, इसलिए उसने मेरे बालों में वॉमिटिंग कर दी थी, क्योंकि जस्ट उसने दूध पिया था इसलिए। तो कल सर नहीं धो सकती थी, क्योंकि ट्यूसडे होता है भाई के लिए या मम्मी के लिए, मे भी दोनों में से किसी एक के लिए बुरा होता है, इसलिए मैंने कल सर नहीं धोया, इसलिए मैंने रात को ही अपना हेड वॉश कर लिया, मंडे भी था इसलिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी डुगू आराम से लेटा था और मैं बैठी थी पंखे के नीचे ताकि मेरे बाल अच्छे से सूख जाएं। तो मैं दिखाती हूँ आपको डुगू को, डुगू क्या कर रहा है ये देखो। डुगू आराम से लेटा है, उसके ऊपर डाल रखा है मच्छरदानी, मच्छरदानी के ऊपर डाल रखा है टावल ताकि लाइट ना दिखे। और अब चलते हैं सोने, रात के बज चुके हैं 12। सच में तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही थी मुझे, पेट में भी पेन हो रहा था, और कम पेट में तो हो ही रहा था, साथ साथ मेरे गले में और छाले हो गए, पता नहीं क्यों दिक्कत है मुझे, मेरे गलों में छाले बहुत धोते आते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप चलते हैं सोने।